हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने ध्यान खुद रख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये वाले साड़ी ड्रेपिंग, जो कि ये ओनम स्पेशल साड़ी ड्रेपिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ओनम के लिए साड़ी ड्रेपिंग की मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी एंड मैं भी चाहती थी शेयर करने के लिए आपके साथ। तो मैं आपके साथ ड्रेपिंग साड़ी ड्रेपिंग के साथ साथ स्टाइलिंग भी शेयर करूंगी कि आप ये वाली साड़ी को आप कैसे स्टाइल कर सकते हो। जनरली जो वाइट एंड गोल्डन बॉर्डर वाली ओनम में साड़ी पहना जाता है, तो उस साड़ी को कैसे स्टाइल कर सकते हो वो आपके साथ शेयर करूंगी। उसके साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मेरी हैंडल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड वहाँ पर मेरी रील एंड मेरी डेली लाइफ की अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट साड़ी की जो स्टार्ट वाले पार्ट है उसको मैं राइट साइड में ऐसे टक करके एक रैन घुमाते हुए लेके आऊँगी। एंड ये मैंने जो साड़ी ली है ये कॉटन सिल्क साड़ी है एंड कॉटन सिल्क मिक्स साड़ी है ये। तो उसको ड्रेप करना थोड़ा सा आपको ट्रिक पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हम पहले जो टक कर रहे हैं तो ये नीटली होनी चाहिए। अगर आप बहुत एक जगह आप गैदर होकर रहेगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वहाँ जगह अच्छा नहीं दिखता है। तो आप टक करने के बाद मेक श्योर कि आपकी जो टक आपने किए है तो वो अच्छे से नीटली होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, साड़ी की जो पल्ला वाला पार्ट है उसको एक राउंड पीछे की तरफ मैं घुमाते हुए लेके आऊँगी। देन यहाँ पे मैं शोल्डर स्लीव्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लीट्स जनरली जैसे बनाते हैं, मैं प्लीट्स बना के ही साड़ी को ड्रेप कर रही हूँ क्योंकि कॉटन सिल्क साड़ी है। तो आप अगर ऐसे ही ड्रेप करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारे प्लीट्स बन जाने के बाद उसको जो है अच्छे से अरेंज कर देंगे। अगर आपको प्लीट्स बनाने के बाद अरेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो क्लॉथ की पिन होती है तो उसको बीच बीच में आप उसको लगा सकते हो। तो मैं या फिर क्लॉथ पिन की जगह आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सेफ्टी पिन से सजेस्ट करूँ, सेफ्टी पिन से बेटर है आप क्लॉथ की पिन, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐसे प्लेट्स को अरेंज कर लूँ, देन मैं उसको शोल्डर्स पे डालने वाली हूँ। पहले अच्छे से आपकी जो सारे प्लेट्स जो है एक इक्वल होना चाहिए। जो फ्रंट वाला प्लेट है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बाकी की प्लेट्स से। कुछ ऐसे करके सारे प्लेट्स हम बना लेंगे, देन उसको शोल्डर में डाल के सेफ्टी पिन की हेल्प से हम पहले उसको सिक्योर कर लेंगे। हमारे यहाँ पे शोल्डर प्लीट्स बन जाने के बाद हम यहाँ पे फ्रंट प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट प्लीट्स में भी वही सेम प्रोसेस है जैसे फर्स्ट प्लीट्स जो आप बनाते हो वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बाकी की प्लीट्स से। तो फर्स्ट प्लीट्स से हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और बाकी जो जितने भी प्लीट्स आप बनाते हो वो थोड़ा सा उससे छोटा बनानी है और वो बाकी सब जो है इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सारी प्लेट्स बना दी है। बनाने के बाद उसको अच्छे से जो है अरेंज कर लीजिए और एक बार। तो आप देख सकते हैं मैं एक एक करके सारे प्लेट्स को अच्छे से पहले अरेंज कर लूँगी, देन मैं मेजर कर लूँगी कि मैं मुझे कितना अंदर टक करना है वो मैं मेजर करके देन मैं जो है पेटीकोट के अंदर उसको टक कर दूँगी। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। एंड साइड में कमर में जो बॉर्डर वाली जो चीज़ रहती है उसको भी आपको ध्यान देनी है कि बॉर्डर जो है अच्छे से विजिबल हो। एंड ऐसा नहीं कि बॉर्डर को भी आप टक कर दो, बॉर्डर से ही आपका कमर के पास जो लुक जो वो अच्छा आती है। तो इसलिए बॉर्डर को अच्छे से रख के देन आप उसको अंदर टक कर सकते हैं। कुछ इस तरह आप वीडियो में अच्छे से देख। एंड साड़ी जब भी आप ड्रेप करते हो इतनी चीज़ की ध्यान रखना है कि साड़ी हमेशा फ्लोर लेंथ को टच करके ही आपको साड़ी को ड्रेप करना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है कि उससे कम भी नहीं रखना है। ज़्यादा रखते हैं तो फिर जमीन में लगते हैं तो साड़ी वैसे भी गंदा होता है, अगर छोटा रखते हैं तो फिर वो अच्छा वाला लुक नहीं आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ मुझे अरेंज करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरी साड़ी को अरेंज कर दूँगी। एंड ये है मेरी फाइनल फिनिश लुक, जो कि साड़ी जो कि अच्छे से मैं यहाँ पे वेयर कर चुकी हूँ।
उसके बाद मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब हम कॉटन की साड़ी पहनते हैं, सिल्क साड़ी पहनते हैं, तब जो है साड़ी की जो नीचे वाला पार्ट है, जो कि हमारी प्लीट्स जो होते हैं फ्रंट प्लीट्स, वो थोड़ा सा जो है अनमैनेजेबल लगते हैं। तो आप उसको झुक के कुछ इस तरह जो है आप उसको अरेंज कर लीजिए। अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाले हैं तो डेफिनेटली उनकी हेल्प आप ले सकते हो। ये है मेरी फाइनल लुक। तो जनरल ओनम में हम साड़ी को व्हाइट साड़ी को कैसे स्टाइल कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो इस साड़ी की एक्चुअली इस साड़ी में जो है गोल्डन बॉर्डर है एंड उसमें जो है रेड कलर में छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। एंड इस साड़ी के साथ जो है गोल्डन ब्लाउज मुझे रिसीव हुआ था, बट मुझे लगा कि ये साड़ी में रेड कलर की ब्लाउज अगर मैं वेयर करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो मैंने यहाँ पर ये वाले ब्लाउज जो कि गोल्डन एंड रेड कलर में है, तो ये वाले ब्लाउज वेयर की है। एंड मैंने यहाँ पे बड़े बड़े इयररिंग्स ओनली पहनी है जो कि रेड कलर में, रेड एंड वाइट कलर में है, जो कि साड़ी के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। एंड मैंने यहाँ पे रेड एंड गोल्डन बैंगल्स भी वेयर की है एंड उसके साथ साथ मैंने रेड क्लच भी ली है। तो ओवरऑल लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो कहीं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, बाय।